हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, हमने जो है ये देखा था कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हम जो है पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली आज हम पाइप एंड सिस्टर्न के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी वेरिएशन पॉसिबल होते हैं हम वो सॉल्व कर देंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नंबर वन है हमारा, टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न टू इम्पटी इट। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपेंड देन द सिस्टर्न इज अ फुल इन 50 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन इम्पटी द सिस्टर्न। क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये जो पाइप है वो 60 मिनट में क्या कर रही है, सिस्टर्न को फिल कर दे रही है। बी पाइपलाइन 75 मिनट में। एंड सी हमारा क्या है, एक सिस्टर्न में एक लीक है जहाँ से जो है वाटर क्या होता है, लीक होता है। और इसका हमें ये टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम में ये इम्पटी कर देगा, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में आगे दे रखा है, अगर तीनों पाइपलाइन ए प्लस बी प्लस सी अगर स्टार्ट कर दी जाए साथ में, तो 50 मिनट में वाटर क्या हो रहा है, सिस्टर्न में कम्प्लीटली फिल हो जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच सिस्टर्न कैन सस्टेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 60, 75, 50। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 300 यूनिट। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5 यूनिट पर मिनट। बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर मिनट। सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है। एंड ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 यूनिट पर मिनट। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो सी की एफिशिएंसी है वो क्या है, एक्स यूनिट पर मिनट है। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 4 प्लस x, ये कितने के इक्वल होना चाहिए, 6 यूनिट के। तो यहाँ से आपका x क्या आ गया, -3 यूनिट पर मिनट। तो यहाँ से जो x नेगेटिव साइन आया सी पाइपलाइन का एफिशिएंसी, इसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे, ये डिनोट करता है कि जो हमारी पाइपलाइन सी है वो एक्चुअली एक लीक है, वो क्या कर रही है, टैंक को जो है सिस्टर्न को हमारे इम्पटी कर रही है। हमको बताना है कि ये जो लीक है कितने टाइम में, टोटल फुल जो टैंकर है हमारा सिस्टर्न है कितने टाइम में जो है कम्प्लीटली इम्पटी कर देगी। तो टाइम टेकन बाई सी टू इम्पटी द सिस्टर्न इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वाटर कितना है, 300 यूनिट, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी 3 यूनिट, ये कितना हो गया, 100 मिनट। तो अगर हमारा जो है पाइपलाइन सी जो है 3, तो अगर इट मीन्स दैट इफ पाइप सी ओपन एलोन देन इट कैन इम्पटी दी सिस्टर्न इन 100 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। थ्री पाइप्स पी एंड क्यू एंड आर कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 4, 8 एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। एंड अदर पाइप एस कैन इम्पटी द कम्प्लीटली फिल्ड सिस्टर्न इन 10 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द इम्पटी सिस्टर्न इन लेस टाइम देन अदर्स। तो यहाँ पे हमारे पास थ्री पाइप लाइन्स है, उनके द्वारा जो है कितना टाइम दिया जा रहा है सेपरेटली किसी सिस्टर्न को फिल करने में, वो टाइम दिया गया है। और एक पाइप लाइन और है, अनदर पाइप यस, जो क्या कर रही है, इम्पटी कर रही है टैंक को, वो कितने टाइम में कर रही है, 10 आवर में। तो हमें ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ से क्या होगा, हमारा सिस्टम जो है बहुत जल्दी इम्पटी हो जाएगा, मतलब फास्ट इम्पटी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर एस का क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो उसके बाद इन अरेंजमेंट से हम देखेंगे कि किस अरेंजमेंट में एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कम लिया जाएगा वर्क करने में, क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पी जो है 4 आवर ले रहा है, क्यू 8 आवर, आर 12 आवर, यस कितना टाइम ले रहा है 10 आवर। तो अगर हम टोटल वर्क निकालें तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 10। तो जब आप एलसीएम इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 यूनिट। एफिशिएंसी पी की कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट पर आवर, क्यू की एफिशिएंसी 15 यूनिट पर आवर, आर की एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, 10 यूनिट पर आवर। इसी प्रकार अगर यस की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट पर आवर। तो ये जो एफिशिएंसी आप निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हम फार्मूला यूज करके एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अगर हम मान लीजिए पी का एग्जांपल लेते हैं तो पी के केस में एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क 120 यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय पी, दैट इज ए 4 आवर। तो 120 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 30 यूनिट पर आवर। अभी यहाँ से हमको पी क्यू आर एंड एस का क्या मिल गया, एफिशिएंसी। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, हमारा जो ऑप्शन वन है इसका अगर एफिशिएंसी आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू एलोन इज ओपन, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 यूनिट पर आवर। ऑप्शन टू की तरफ मूव करते हैं, पी एंड एस आर ओपन, तो पी प्लस एस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस माइनस 12 होगा, क्योंकि जो हमारा यस पाइपलाइन है वो क्या कर रहा है, इम्पटी कर रहा है, तो हम एफिशिएंसी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये हमने आपको पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाते समय बताया था। तो यहाँ से एफिशिएंसी पी प्लस एस का क्या हो जाएगा, 20 यूनिट पर आवर। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, पी आर एंड एस आर ओपन, तो पी प्लस आर प्लस एस, इसका टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 प्लस आर का कितना है 10 माइनस 12, तो ये कितना हो गया, 8 यूनिट पर आवर। ऑप्शन फोर देखते हैं, पी क्यू एंड एस आर ओपन, तो पी प्लस क्यू प्लस एस का हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 माइनस 12, तो ये कितना हो गया, 33 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर फोर है पी क्यू एंड एस, जब इनको एक साथ ओपन किया जाता है तो एफिशिएंसी क्या है, 33 यूनिट पर आवर, जो कि मैक्सिमम है और तीन ऑप्शन से कंपेयर करने पे, तो हमारा ऑप्शन फोर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एफिशिएंसी एंड टाइम के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइम लिया जाएगा वो मिनिमम होगा। तो ऑप्शन फोर में एफिशिएंसी सबसे अधिक है तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन फोर जो हमारा होगा वो सबसे कम टाइम लेगा जो है सिस्टम को इम्पटी करने में। तो ऑप्शन फोर हमारा क्या हो जाए, रिक्वायरमेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसको करने पे हमारा इम्पटी जो सिस्टम रहेगा वो बहुत जल्दी फिल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, ए टैंक इज अ फिल्ड इन 12 आवर्स, वन पाइप फिल्स द टैंक 10 आवर्स फास्टर देन दी अदर, हाउ मेनी आवर डज दी फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक। मैं क्या दे रखा है, टू पाइप लाइन है जो साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, तो एक टैंक जो है 12 आवर में फिल हो जाता है, पाइप लाइन 10 आवर जो है अधिक ले रही है दूसरे पाइप के कंपेयर में। तो हम मान लेते हैं, लेट स्लोअर पाइप टेक्स एक्स आवर टू फिल द टैंक, तो जो हमारा फास्टर पाइप होगा वो कितना टाइम लेगा, फास्टर पाइप विल टेक एक्स माइनस 10 आवर। तो यहाँ से अगर हम स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी लिखें तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ स्लोअर पाइप इज इक्वल टू 1/x यूनिट पर आवर। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ फास्टर पाइप ये कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10
यूनिट पर आवर। क्वेश्चन में आगे हमसे कहा है कि अगर दोनों पाइप साइमल्टेनियसली वर्क करें तो कितना जो है टाइम ले रहे हैं टैंक को फिल करने में, 12 आवर। तो अगर फास्टर प्लस स्लोवर का एफिशिएंसी लिखें तो हम कितना लिखेंगे, 1/12 यूनिट पर आवर। यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट है। तो स्लोवर पाइप की एफिशिएंसी एंड फास्टर पाइप की एफिशिएंसी जो हमारे यक्स के वेरिएबल में है, हम उसको जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 10, ये हमारा यक्स माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसका कुछ फॉर्मेट इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 30 जो है हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 30 हमारे क्या हो गए, पॉसिबल आंसर हो गए। बट एक्स इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू 4 हम यहाँ पे रखेंगे फास्टर फाइव का टाइम निकालने के लिए तो वो निगेटिव आएगा, और टाइम हमारा क्या है, निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एक्स इज हमारा 30 क्या है, ओनली पॉसिबल आंसर हो गया। क्वेश्चन में हमें बताना है कि हाउ मेनी आवर डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो फास्टर पाइप की हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/30 माइनस 10, ये हमारा क्या हो गया, 1/20 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें फास्टर पाइप के द्वारा लिया गया, ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 1 यूनिट डिवाइड बाई एफिशियंसी ऑफ फास्टर पाइप, ये हमारा कितना हो गया, 1/20। तो यहाँ से हमारा 20 आवर जो है क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए सिस्टर्न इज प्रोवाइडेड विथ टू पाइप्स ए एंड बी, ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स एंड बी कैन इम्पट इट इन 30 मिनट्स। इफ ए एंड बी केप्ट ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच, हाउ सून विल द सिस्टर्न बी फिल्ड। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टाइम एंड वर्क में क्या यूज करते थे, टाइम स्केल, वही टाइम स्केल हम यहाँ यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दिया है जो पाइप ए है ये कितने टाइम में फिल कर रही है, 20 मिनट में, एंड पाइपलाइन बी हमारा कितने टाइम में इम्पटी कर रही है सिस्टर्न को, 30 मिनट में। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 20 गामा 30, तो ये हमारा कितना हो गया, 60 यूनिट। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट पर मिनट, एंड बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर मिनट। बी हमारा क्या है, सिस्टर्न को जो है इम्पटी कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी हम क्या लेंगे, -2 यूनिट पर मिनट। एक टाइम स्केल बनाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है पहले दिन हमारा जो है ए पाइपलाइन ओपन किया जाता है पहले मिनट में, और सेकंड मिनट में बी ओपन, फिर अगेन ए, फिर बी, और ये साइकिल हमारी क्या होती है, रिपीट होती जाती है। तो यहाँ से अगर 2 मिनट में हम देखें तो कितना वर्क हो रहा है, 2 मिनट में हमारा जो है 3 - 2 इज इक्वल टू 1 यूनिट जो है वाटर फिल हो रहा है। तो 2 मिनट में 1 यूनिट। तो इसके बाद हम क्या करते थे, हम वर्क जो 1 यूनिट है उसमें ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे कि हम टोटल जो वर्क है उसके नियरेस्ट पहुंचा जाए। तो यहाँ पे हम किसके इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 57 करेंगे। आपको लॉजिक हो सकता है कि 60 भी कर सकते हैं, लेकिन 60 नहीं करेंगे, क्योंकि आप 57 यूनिट वर्क हो चुका रहता है, तो 58 मीन्स जो नेक्स्ट डे वर्क होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, ए के द्वारा, और ये हमारा क्या कर रहा है, 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो नेक्स्ट ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट ही मिनट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 140 मिनट में कितना वर्क हो गया, 57 यूनिट। अभी जब नेक्स्ट मिनट चलेगा तो कौन सी पाइपलाइन एक्टिव रहेगी, पाइपलाइन ए, और इसका एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर मिनट, और हमको कितने यूनिट वाटर की दरकार है, 3 यूनिट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
वन मिनट में कितना वाटर आ जाएगा, 3 मिनट, 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 114 + 1 इज इक्वल टू 150 मिनट में हमारा 57 + 3 जो है 60 यूनिट क्या हो जाएगा, वाटर जो है फिल हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है 115 मिनट, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव है हमारा, ए सिस्टर्न हैज टू पाइप्स, वन कैन फिल इट विथ वाटर इन 8 आवर्स एंड अदर कैन इम्पटी इट इन 5 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर विल द सिस्टर्न बी इम्पटीड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टर्न इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन में हमें दिया है दो पाइपलाइन है, पाइपलाइन ए हमारा क्या करती है 8 आवर में सिस्टर्न को फिल कर देती है, पाइपलाइन बी हमारा क्या करती है 5 आवर में सिस्टर्न को क्या कर देती है, इम्पटी कर देती है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8, 5, तो ये हमारा कितना हो गया 40 यूनिट। ए एंड बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 यूनिट पर आवर एंड ये -8 यूनिट पर आवर। अभी क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इन हाउ मेनी आवर विल द सिस्टर्न बी इम्पटेड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ द सिस्टर्न इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। तो हमारा जो है वाटर कितना हो जाएगा सिस्टर्न में, वाटर इन सिस्टर्न कितना हो जाएगा, 3/4 है टोटल का और टोटल हमारा 40 है, तो ये कितना हो गया 30 यूनिट। यानी अगर जब हमारे सिस्टर्न में 30 यूनिट वाटर है यहाँ पे 30, और अगर पाइपलाइन ए एंड पाइपलाइन बी अभी इस टाइम पे अगर दोनों साथ में ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में जो हमारा सिस्टर्न क्या हो, इम्पटीड हो जाए। तो हमारा ए प्लस बी का एफिशिएंसी आप टुगेदर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 + ये -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 यूनिट पर आवर। अभी ए प्लस बी का जो टोटल एफिशिएंसी आ रहा है वो -3 यूनिट पर आवर आ रहा है, यानी अगर हम दोनों को ओपन साथ में करेंगे तो जो हमारा नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमारा जो है पानी लीक होगा वाटर सिस्टर्न से, तो यानी टैंक हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो टाइम जो है कितना लिया जाएगा, वो टोटल यूनिट ऑफ वाटर कितना है 30 डिवाइडेड बाई एफिशियंसी कितना है 3, ये कितना हो गया 10 आवर। तो 10 आवर में हमारा सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली जो है इम्पटी हो जाएगा, इफ उसमें ऑलरेडी कितना वाटर हो, 3/4 ऑफ द सिस्टम कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीक इन द टैंक इट वॉज टेकिंग 7/3 आवर टू फिल द टैंक, द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। हमें दे रखा है कि एक पंप है जो किसी टैंक को कितने आवर में फिल कर रहा है, 2 आवर में, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है बिकॉज ऑफ अ लीक, मान लेते हैं वो लीक क्या है, बी है, उसके कारण जो टोटल टाइम लिया जा रहा है वो कितना हो गया, 7/3 आवर जो है टाइम लिया जा रहा है लीक के कारण। ये हमारा अगर टैंक हो गया तो यहाँ पे क्या है, एक पाइपलाइन है जिसे हमने ए सपोज किया है, और मान लेते हैं ये क्या है, लीक है हमारा, और इस लीक को हमने क्या सपोज किया है, बी। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 7/3, तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 14 यूनिट। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 7 यूनिट पर आवर। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 14 / 7/3, ये हमारा 14 × 3/7 मीन्स 6 यूनिट पर आवर हो गया। तो हमारा बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अगर बी का एफिशिएंसी हम एक्स यूनिट पर आवर सपोज करें तो 7 + x इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू -1 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से जो माइनस साइन आया ये क्या डिनोट करता है, जो पाइपलाइन बी है एक्चुअली वो कौन सी पाइपलाइन है, वो इम्पटी करने वाली पाइपलाइन है, और हमको बताना है कि अगर ये जो लीक है ये कितने टाइम में जो है टोटल वाटर को क्या कर देगी, ड्रेन कर देगी फ्रॉम द टैंक। तो ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फॉर इम्पटिंग टैंक ये कितना हो जाएगा, बाई लीक
इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल यूनिट ऑफ वाटर 14 यूनिट, एफिशिएंसी ऑफ लीक कितना है 1, तो ये हमारा जो 14 आवर होगा ये क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा लीक के द्वारा लिया गया, जिसमें जो हमारा वाटर क्या होगा कम्प्लीटली जो है ड्रेन हो जाएगा टैंक से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक इज फिटेड विथ टू टैप्स, द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कम्प्लीटली इन 45 मिनट्स एंड द सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट देन इन हाउ मेनी आवर द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। क्वेश्चन में हमें दो पाइपलाइन दिया है, मान लेते हैं एक पाइपलाइन ए है जो 45 मिनट ले रही है क्या करने में, टैंक को फिल करने में, और पाइपलाइन बी है जो क्या कर रही है एम्प्टी कर रही है, कितना टाइम ले रही है 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट ऑफ वाटर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 45 कामा 60 180 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर मिनट एंड बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा -3 यूनिट पर मिनट, क्योंकि जो पाइपलाइन बी है वो क्या कर रही है इम्पटी कर रही है। क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि इनको जो है अल्टरनेट तरीके से क्या किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है पहली पाइपलाइन कौन है ए, उसके बाद बी ओपन किया जा रहा है, फिर अगेन ए, फिर बी, और ये हमारे कितने के इक्वल होगा 2 मिनट के इक्वल। तो 2 मिनट में कितना यूनिट ऑफ वाटर ड्रेन हो रहा है 4 प्लस -3 कर देंगे ये कितना हो गया 1 यूनिट। तो यहाँ से जो 2 मिनट में हमारा 1 यूनिट वाटर क्या हो जा रहा है ड्रेन हो जा रहा है, हमको बताना है कि 180 यूनिट ड्रेन होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम दोनों साइड 176 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैसा रहेगा, ये हमारा 176 यूनिट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आ जाएगा 352 मिनट। तो नेक्स्ट मिनट में 353 मिनट में कौन पाइपलाइन वर्क करेगी, ए पाइपलाइन, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट पर मिनट। तो यानी जब नेक्स्ट मिनट होगा 353 मिनट, इसमें 4 यूनिट, और हमें कितने वाटर को ड्रेन करना अभी ज़रूरी था 4 यूनिट के, क्योंकि 176 यूनिट जो है 352 मिनट में ऑलरेडी ड्रेन हो गया था। तो यहाँ से जो है 353 मिनट में हमारा टोटल कितना वाटर ड्रेन होगा 176 प्लस 4 ये हमारा कितना हो गया 180 यूनिट, और 180 हमारा क्या था टोटल वर्क था, टोटल यूनिट ऑफ वाटर था जो कंटेनर में फिल्ड था, और इस वाटर को जो है ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा 353 मिनट अगर दोनों पाइपलाइन ए एंड बी को साथ में ओपन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैप टेक्स 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू अ लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, द इनफ्लो कैन फिल द टैंक इन, लेट इनफ्लो क्या है 2x यूनिट पर आवर, इनफ्लो जो रेट है 2x यूनिट पर आवर है, और टैप्स कितना ले रहा है 36 आवर एक्स्ट्रा टू फिल अ टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, तो हमारा जो आउटफ्लो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो लीकेज है वो एक तरह से क्या है आउटफ्लो है, तो उसका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी -x यूनिट पर आवर, क्योंकि जो आउटफ्लो है हाफ है इनफ्लो की एफिशिएंसी से। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क लिखें तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा x इंटू 36, ये हमारा कितना हो गया 36x यूनिट। अब x इंटू 36 हमारा टोटल वर्क इसलिए दे रहा है कि 36 आवर हमें जो है क्या लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है उस टैप को क्या करने में फिल करने में, और वो 36 आवर किसके कारण लग रहा है लीकेज के कारण, तो हम अगर 36 इंटू एक्स कर देंगे तो हमको जो है क्या मिल जाएगा टोटल वर्क मिल जाएगा। वो क्या बताना है, हमको बताना कि जो इनफ्लो पाइप है वो कितने टाइम में जो है टैंक को क्या करेगी फिल कर लेगी। तो इनफ्लो पाइपलाइन का हमका एफिशिएंसी कितना पता है 2x यूनिट पर आवर, तो यहाँ से जो टाइम है बाय इनफ्लो पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू टोटल वर्क 36x यूनिट डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ इनफ्लो पाइपलाइन, तो ये 2x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2 और 16, तो 18 आवर जो है हमारा क्या हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा जिसमें
इनफ्लो पाइपलाइन क्या करेगी, टैंक को कम्प्लीटली फिल कर देगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल टैंक इन 10 आवर्स। इफ द टैंक इज अ फुल ऑफ वाटर एंड अ टैप इज अ ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट इन द टैंक। द लीक टेक्स 15 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक होल्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, आप जो है पर आवर, जो है पर आवर के टर्म में हर वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद जो है उसको इक्वेट कर दीजिए, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि मैंने जो बोला वो हम करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू एक्स लीटर। हम कैपेसिटी कितना मान ले रहे हैं, एक्स लीटर मान ले रहे हैं। तो जो लीक का एफिशिएंसी हो जाएगा, लीक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एक्स बाई 10 लीटर पर मिनट, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, टोटल कैपेसिटी है टैंक की, और 10 आवर में जो हमारा लीक है वो क्या कर दे रहा है, कम्प्लीटली जो है एम्प्टी कर दे रहा है। तो एक्स बाई 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा लीक का एफिशिएंसी। और चूंकि ये क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये जो है एम्प्टी कर रहा है, तो इसको हम कौन सा साइन देंगे, माइनस साइन देंगे। उसी प्रकार हमारा इनफ्लो का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इनफ्लो एफिशिएंसी अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 लीटर पर मिनट, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 1 आवर में जो है कितना वाटर जो है इनफ्लो होगा, 4 × 60, तो ये हमारा कितना हो गया, 240 लीटर जो है वाटर 1 आवर में क्या होगा, टैंक में इनफ्लो होगा। क्वेश्चन में आगे दिया है कि अगर लीक और ये जो इनफ्लो पाइप है ये दोनों को साथ में जब ओपन किया जाता है तो कितना टाइम लिया जा रहा है, 15 आवर्स टू इम्प्टी द टैंक। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, 15 आवर्स अगर लीक प्लस इनफ्लो पाइप कितना टाइम ले रहे हैं, 15 आवर्स टू इम्प्टी इट, तो अगर इसकी एफिशिएंसी लिखा तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 15 बाई 10 लीटर है, ये क्या पर आवर है ना कि मिनट है। लीक प्लस इनफ्लो की एफिशिएंसी कितनी हो गई, माइनस एक्स बाई 15 यूनिट पर आवर। हमें जो है अभी ये फाइंड करना है कि जो नेट जो इफेक्टिव जो एफिशिएंसी है कि किस रेट से वाटर हमारा लीक हो रहा है वो कितना है, एक्स बाई माइनस एक्स बाई 15 माइनस ये कितना हो जाएगा लीक एफिशिएंसी, ये कितने की इक्वल हो जाएगी आपकी, 240, क्योंकि 1 आवर में कितना वाटर जो है उसमें टैंक में गया है माइनस अगर लीक की एफिशिएंसी कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट जो है रिजल्ट मिलेगा कि कितना वाटर जो है पर आवर लीक हो रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स बाई 15 इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 240। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 × 30, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2403, तो ये आपका कितना हो गया, 7200 लीटर। तो हमारा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 ये मीन्स 7200 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप ए इन 4 आवर एंड पाइप बी इन 6 आवर्स। इफ द टू पाइप्स आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटली विथ फर्स्ट ओपनिंग पाइप ए देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जो पाइप ए है 4 आवर में किसी टैंक को फिल कर रही है और पाइप बी कितने टाइम में कर रही है, 6 आवर में। तो अगर हम टोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकालें टैंक के तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क LCM ऑफ 4, 6 ये कितना हो जाएगा आपका, 12 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 यूनिट पर आवर एंड बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर आवर। उसके बाद हम एक टाइम स्केल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है अल्टरनेट तरीके से वर्क हो रहा है, पहले कौन पाइपलाइन वर्क कर रही है, ए, उसके बाद बी, फिर अगेन ए, फिर बी, तो ये प्रोसीजर हमारा रिपीट होता जा रहा है, कब तक, जब तक टैंक जो है कम्प्लीटली फिल्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप 2 आवर का इफेक्टिव देखें तो 2 आवर में कितना यूनिट वाटर फिल किया जा रहा है, 5 यूनिट।
ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम 12 के नियरेस्ट पहुंचे, तो इनटू 2 करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 10 यूनिट और ये 4 आवर। तो 4 आवर में हमारा जो वाटर फिल होगा कितना 10 यूनिट, तो रिमेनिंग वाटर कितना बचेगा, रिमेनिंग यूनिट ऑफ वाटर, रिमेनिंग यूनिट ऑफ वाटर 2 यूनिट। अभी जो फिफ्थ आवर है उसमें कौन वर्क करेगा, पाइपलाइन ए, और पाइपलाइन ए का जो पर आवर का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। तो हमारा पाइपलाइन जो ए है ये 3 यूनिट फिल करता है 1 आवर में, तो 2 यूनिट कितने टाइम में फिल करेगा, 2/3 आवर में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 4+2/3 आवर, तो ये कितना हो गया 14/3 आवर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर्स आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर, सी इज अ क्लोज्ड एंड ए एंड बी फिल इट इन 7 आवर मोर, द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द सिस्टर्न इज। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए टाइम स्केल का यूज करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ टाइम एंड वर्क में भी बनता था, जहाँ पे हम टाइम स्केल का यूज करके क्वेश्चन को क्या करते थे, सॉल्व करते थे। यहाँ पे मान लेते हैं टोटल वर्क हमारा कितना है 1 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करते हैं, 6 आवर में। जो पाइपलाइन ए बी एंड सी हैं ये 6 आवर में जो है टैंक को क्या कर देती हैं, कम्प्लीटली फिल कर देती हैं। तो अगर इनका टोटल जो है एफिशिएंसी लिखें टुगेदर का, तो कितना हो जाएगा 1/6 यूनिट पर आवर। तो अभी एक टाइम स्केल बनाते हैं, स्टार्टिंग जो हो रही है तीनों पर्सन साथ में वर्क करना स्टार्ट करते हैं और 2 आवर जो है वर्क करते हैं, उसके बाद हमारा जो पर्सन सी, हम एक्चुअली पाइपलाइन हमें कहना चाहिए, हम पर्सन का यूज कर रहे हैं, तो जो पाइपलाइन सी है वो क्या हो जा रही है, क्लोज कर दी जा रही है। तो पाइपलाइन ए एंड पाइपलाइन बी क्या है, 7 आवर के लिए जो है एक्टिव रहेंगी, तो हमारा जो टैंक है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क लिखें तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी प्लस 7 इंटू ए प्लस बी का एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल वर्क, और टोटल वर्क हमने कितना सपोज किया है 1 यूनिट। तो यहाँ से आप क्या रखेंगे, 2 इंटू 1/6 प्लस 7 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/21 यूनिट पर आवर। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता हो गया, तो सी का एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, सी का एफिशिएंसी जो हमारा होगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी माइनस ए प्लस बी का एफिशिएंसी बीच 2/21, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 42 हो जाएगा, ये 7-4 इज इक्वल टू 3/42 मीन्स 1/14 यूनिट पर आवर जो है हमारा सी का एफिशिएंसी हो गया। अभी हमको बताना है टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल दैट सिस्टर्न इज, तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ पाइपलाइन सी, तो ये हमारा कितना हो गया 14 आवर। तो जब हमारी पाइपलाइन सी है वो सिस्टम को कम्प्लीटली जो है 14 आवर में क्या कर देगी, फिल कर देगी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स बट टेक्स अनदर 2 आवर्स लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम, इफ द सिस्टर्न इज अ फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पाइपलाइन है जो किसी एक सिस्टम को फिल करने में 8 आवर ले रही है, लेकिन वो 2 घंटे ज़्यादा लेती है बिकॉज ऑफ लीक इन इट्स बॉटम। तो हम मान लेते हैं अगर हमारा टैंक हो गया, यहाँ पे इसके बॉटम में क्या है, एक लीक है, और ये पाइपलाइन हो गई। जो पाइपलाइन है हम उसको मान लेते हैं पी, ये पाइपलाइन कितना टाइम ले रही है, 8 आवर में नॉर्मली लेती है, लेकिन बिकॉज ऑफ लीक ये कितना टाइम ले रही है, 2 आवर ज़्यादा ले रही है। तो अगर क्यू हमारा वो लीक है तो पी प्लस क्यू कितना टाइम ले रहे हैं, 10 आवर। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 8/10,
तो इसका कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 40 यूनिट। पी का एफिशिएंसी 5 यूनिट पर आवर, पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 4 यूनिट पर आवर। अभी हमको बताना है इफ द सिस्टम इज फुल, हमारा सिस्टम जो है कम्प्लीटली फुल हो तो जो लीक है वो कितना टाइम लेगा सिस्टम को इम्प्टी करने में। एफिशिएंसी पता है, पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी पता है, तो क्यू का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, ये हो गया हमारा -1 यूनिट पर आवर। तो जो हमारा लीक है वो पर आवर जो है 1 यूनिट वाटर क्या करेगा, ड्रेन आउट करेगा। तो टाइम कितना लिया जाएगा क्यू के द्वारा टोटल अगर कम्प्लीटली फिल्ड हमारा सिस्टम हो तो उसको ड्रेन करने में, तो टोटल हमारा कितना कैपेसिटी है सिस्टम का 40 यूनिट, और एफिशिएंसी ऑफ क्यू का कितना है 1, तो ये हमारा क्या हो गया 40 आवर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज कुछ हमने क्वेश्चन किए हैं, हम जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो यहाँ पे हम नहीं किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें हमने टाइम एंड वर्क में सीखी थी वो चीज़ें यहाँ पे हूबहू जो है अप्लाई हो रही है, बस डिफरेंस कितना है यहाँ पे हम मैन बॉय वुमेन वर्ड यूज ना करके पाइप का वर्ड का यूज करते हैं, और जो है यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है, किसी टैंक को फिल करना जो है वर्क है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।